हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अंजू जाता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का बिजनेस कुछ खास है क्योंकि आप यहां पर मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए आई हूं, क्योंकि बिजनेस कुछ ऐसा है वो हर मौसम में चलता है और इस तरह का अगर मौसम हो तो बिजनेस दौड़ता नहीं है, भागता है, यानी बहुत ही ज़्यादा चलता है। कस्टमर की तो लाइन लगी रहती है और नगद में आपको पैसे देकर जाती है, ना तो उधारी होती है और कुछ भी नहीं, यानी और इतना मुनाफा है। बिजनेस देखोगे तो खुद बताओगे हाँ वाकई में इस बिजनेस में बहुत मुनाफा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस बिजनेस की बात करूंगी उसको आप जानते हैं और आपको पता है कि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है, पर हेजिटेशन की वजह से आप इस बिजनेस को कर नहीं पा रहे हैं। तो आज उसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी मशीन जिससे आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और आपका मुनाफा जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा आप मुनाफा कमाने लगेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से जहाँ से आपको बेस्ट डील मिले, बेस्ट मशीन मिले। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्केप मत किया करो, स्केप करते हो तो इसीलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आज वीडियो को बिल्कुल स्केप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना बिल्कुल ना। तो चलो फ्रेंड्स, आज दिखाते हैं आज का बिजनेस आइडिया और आपको मिलवाते हैं मैन्युफैक्चरर से, वहाँ से किस तरह से आपको मशीन लेनी है और कौन सा बिजनेस है, ये सभी कुछ डिटेल आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी एक ऐसी मशीन, ये है मेरे पास में। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मशीन की डिमांड इतनी है कि मैं जब तक आई और थोड़ी देर बाद ही वो मशीन चली गई है, ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इतनी ज़्यादा मशीनें बिकती हैं क्योंकि इस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमारे साथ है मैडम, ये आपको बताएंगे इस बिज़नेस के बारे में। तो कितना एरिया लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में? मैम, आप इसमें नॉर्मली आपका 20x20 का या 25x25 का आप इसे नॉर्मली अपना लगा सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए इसमें। तो लाइट, ये मशीन जो है लाइट से चलेगी या और भी कोई ऑप्शन है? हाँ, आप इसे लाइट से भी चला सकते हैं, प्लस में आप इसे बैटरी से भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो बिज़नेस है चलता फिरता बिज़नेस है। आप एक ऐसा नहीं है कि आपको एक एरिया ही लगाना पड़ेगा, यानी आप इसको फूड बैंक पे भी लगा सकते हैं और जहाँ क्राउड ज़्यादा हो, जहाँ पब्लिक हो, वहाँ पब्लिक प्लेस पर आप इसको लगा सकते हैं। और आपको अगर हेजिटेशन होती है, आप सोचते हो कि नहीं मुझे इस बिज़नेस को नहीं, पब्लिक प्लेस पर मैं नहीं लगा सकती, तो आप अपने एरिया में भी यानी एक शॉप लेकर लगा सकते हैं। और डिमांड की बात करें तो आप खुद ही जान जाओगे कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हर मौसम में चलता है और आज जो बारिश हो रही थी उस मौसम में तो लाइन लग जाती हैगी कस्टमर की। और उधारी, सबसे ज़्यादा बिजनेसों में उधारी की टेंशन होती है सबको कि मार्केट में माल गया, फंस गया। इसमें ना तो माल फंसता है और ना ही कोई उधारी होती है, कस्टमर आता है नगद में आपको पैसे देकर जाता है, क्योंकि बिजनेस कुछ खास है और ये बिज़नेस इतना ज़्यादा चलता है कि आप इतना ज़्यादा महीने भर में कमा लोगे कि मशीन की कॉस्ट तो आपकी ऐसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाएगी और पहले महीने से ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैडम, इसमें कितना क्या प्रॉफिट है वैसे अगर आप इसे लगाते हैं? मैम, जैसे कि अगर लगता है किसी को कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है मेरे को, तो आप इसमें अपना आराम से एक महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे अगर आप मशीन खरीदते हैं 30,000 की, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को 30,000 की मशीन है, मेरा एक महीने में नहीं हो पाएगा, तो उससे ज़्यादा का बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। ये जो मशीनें किस मटेरियल से बनी हुई है? मैम, ये पूरी SS की बॉडी है, स्टील से बनी गई है पूरी मशीन। और इस मशीन को कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है? आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कॉलेज के पास या फिर स्कूल के पास, आप नॉर्मली आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं इस मशीन को। आपके पास मैम ये मशीनें जो हैं वो कितने प्रकार की बनती हैं, यानी व्यूअर्स जो हैं वो अपने हिसाब से क्या मशीन बनवा सकते हैं छोटी साइज वाइज? हाँ जी मैम, बनवा सकते हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं। इसमें आपको 3 नोज़ल की, 4 नोज़ल की, अगर आपको 1 नोज़ल की चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। और मैम, क्या इसको गाड़ी वगैरह पे भी लगा सकते हैं? हाँ जी मैम, आप इसे ट्रक पे, साइकिल पे या फिर बैटरी रिक्शे पे और नॉर्मल रिक्शा जो आता है आप उस पर भी लगवा सकते हैं इसे। तो मैम, वैसे हाइजीन के हिसाब से ये मशीन कैसी है, कितने टाइप के इसमें पानी वगैरह भरे जाते हैं आपको? मैम, इसमें आप जैसे 6 नोज़ल की होती है तो आप 6 तरह के पानी भर सकते हैं इसमें। तो अलग अलग पानी का कोई वेस्टेज वगैरह तो नहीं होता है? नहीं मैम, इसमें जो वेस्टेज पानी होगा वो साइड हो जाएगा, निकल जाएगा वो
वो उस पानी में नहीं जाएगा, वो अलग निकल जाएगा बाहर। तो फ्रेंड्स ये मैंने ली है पानी की टिक्की, अब इसको इस नोजल के नीचे लेकर जाते हैं तो ये चालू हो जाएगा। आप इसको जैसे हाथ को हटाएंगे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी आपका जो काम है वो काफ़ी आसान हो गया है। हाथों से अगर पानी की टिक्की भरती हैं तो उसमें टाइम भी लगता है और काफ़ी सारी आपकी शॉप के पास में भीड़ भी लग जाती है, तो इससे काम भी बहुत आसान हुआ है। आप इसको फूडपैन पर भी लगा सकते हैं और आप जान गए होंगे कि बिजनेस कितना खास है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया।